Shut up and sit down. तो आप लोगों से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैंने इस रोड में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बट अभी जो है थोड़ा सा सिलसिला ये हो गया है कि मैं थोड़ा सा ठंडा हो गया था, अब दोबारा बना रहा हूँ। अब सिलसिला ये है कि अभी भाई का नया लुक निकलने वाला है, बाल कटवाने जा रहा हूँ। अगर हजाम भाई ने दे दिया अपॉइंटमेंट तो आपको भाई की नई लुक दिख जाएगी। तो अभी मसला ये चल रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, हजाम जो है ना जो हेयर सलून वाले हैं ज़रा सही टाइम नहीं दे रहे, देखते हैं अगर टाइम मिल जाता है तो भाई बाल बाल कटवा लेगा, दाढ़ी बड़ी सही हो जाएगी तो नया लुक निकल आएगा, ना फिर देखते क्या कर सकते हैं। भाई ये आ गया तुम्हारे भाई का नया जन्नाटेदार लुक, बाल कट गए, भाई को अपॉइंटमेंट मिल गया, ज़रा अच्छे से बाल कट गए, अच्छा हो गया काम। अब इसको चलते हैं घर, भाई को उठाते हैं और फिर उसके बाद हमें आज का एक काम है तो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा। तो जी दोस्तों, सबसे पहले गल के लिए माजरत, हम जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस। आइए भैया, अभी जाके बनवाते हैं अपना पासपोर्ट। कल असल में मुझे जाना था ग्रॉसरी करने, मुझे दूसरा काम मैंने बताया था ना, बट ड्यू टू लॉकडाउन आपको पता है कल बनता सब कुछ, तो आज जाएंगे और आज ग्रॉसरी भी करेंगे। बैंक से मैं होली आऊँ, अभी भी दो तीन काम है आगे, एयर वाई जाना है, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक काम तो आपके भाई ने कर दिया, पासपोर्ट की फ़ीस जमा करा दी है। अब देखते हैं आगे और कितना लेंदी प्रोसेस है, क्या सिलसिला है, किस तरीके से होता है। अब यहाँ से हमें सीधा जाना है ए आर वाई पे काम है वो करके। आज भाई के मुंह पे रोशनी बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही है, यानी मैं कैसा लग रहा हूँ। खैर ए आर वाई पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा काम है पर्सनल। भाई आज के दिन से बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक काम हुआ सुबह से, सिर्फ बाकी कामों में तो सिर्फ बिजली ख़राब हो रही है, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। अभी मैं आपको घर पहुँच के सारा किस्सा सुनाता हूँ। भाई ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हमें पता ही नहीं होता, हमने कभी सुना था कि भाई कब्रिस्तान तो होता है मुर्दों के लिए, जिंदों के लिए नहीं होता। ये मेरे नाना हैं, वो मेरी नानी की कब्र है, उसके पीछे जो है वो मेरी अम्मा की नानी है, वो मेरी अम्मा की खाला है उस साइड पे। ये भाई कब्रिस्तान पे ज़िंदगी बेनतिया मसरूफ़ है, कभी कभार बंदा कब्रिस्तान आ जाए तो इसमें ऐसी कवाद की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए ही इबरत है। आज इतना मसरूफ़ दिन था फिर भी मैंने इसमें थोड़ा टाइम निकाला, मैं आया, मैंने कहा भाई आना ज़रूरी है, फिर इनको बख्शा। अब मैं अपने काम से जा रहा हूँ आगे। हाँ तो दोस्तों मैं आया था यहाँ पर, ये हमारे ज़हूर भाई हैं पार्टनर स्टेट वाले, और इनका सारा सोशल मीडिया जो है ना आपका भाई देखता है, तो मुझे हफ्ते में एक आध चक्कर इंडिया भी लगाना पड़ता है, तो आज मैंने कहा यहाँ आए हुए थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा अंदर काम वाम करता हूँ, ये मेरे ख्याल से भी अच्छा है, यहाँ से अच्छा नज़र आ रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, थोड़ा रोज़ी रोटी कर लूँ, उसके बाद फिर मुलाकात करते हैं अच्छे से करके, रात में बाकी बात करेंगे। आज भी ग्रॉसरी रह गई, कल करेंगे अपनी ग्रॉसरी, आज तो सुबह से भाग भाग पागल हो गए। हाँ तो जी एक मरतबा फिर हम आ गए ये बहुत पुराने काशिफ भाई की गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब मैंने शायद आप लोगों को एक अपने पास पेज दिखाया था अलग ट्रेडर्स का, जिसके अंदर भाई ने हाथ रखा था, तो वो अभी आप उसमें देख रहे हैं ज़रा लाइक्स कैसे टनाटन जा रहे हैं, तो वो इन्हीं की दुकान है। हाँ तो जी दोस्तों, दूसरे दिन का आगाज हो गया और अभी मैं आ गया हूँ पासपोर्ट ऑफिस रिमेनिंग काम करने के लिए, फीस जमा करा दी थी, अब नीचे जाना है। आपका भाई डीसी से पकड़ा के अंदर आ गई है, तस्वीर खिंचवाने के लिए बैठा हुआ है। मौसम बाहर अभी दिखाता हूँ, बड़ा जालिम हुआ है पूरा, मतलब यूजुअली कराची में ऐसा मौसम होता नहीं। हाँ तो जी ये हो रहा है कराची का मौसम इस वक्त ज़बरदस्त, और भाई के पासपोर्ट पे कैंसिल्ड की स्टैम्प लग चुकी है, अब नया पासपोर्ट आने वाला है, इंतज़ार करें बहुत जल्द इंटरनेशनल ब्लॉग आने वाला है, कहाँ का ये हम अभी रिवील नहीं करेंगे, और भाई अभी इसके बाद वीज़ा प्रोसेस के लिए भी डालेगा, वो भी देखना।
हम आ गए खाना खाने रिंगर बर्गर। अभी थोड़ा सा आपको हम शॉर्ट्स भी दिखाते हैं और फिर ब्लॉग को समाप्त करेंगे। समाप्त कह दिया मैंने। हाँ तो जी भाइयों, जब आप मिलाएँ और आपके पास एंट्री पास ना हो ना, तो ये पीछे वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आके एंट्री की है और अभी करवाई दी है। यहाँ पर वेटिंग बहुत है। फौजियों के साथ ना काम करने का एक मसला ये, आपको बी लाइक फौजी उनका उसूल है, कानून है। मैंने अपनी बाइक पीछे रोक दी, अब यहाँ पर वेटिंग हो रही है, हो जाएगा फिर उसके ऑफिस आदिल भाई के साथ करनी है और आदिल भाई के साथ कुछ ज़रा टूर बनाने ज़बरदस्त वाले। जितनी देर मेरी एंट्री हो रही थी, मैं गया ज़रा मुँह हाथ धो के फ्रेश होकर आ गया पीछे वेटिंग एरिया में। वुज़ू खाना नहीं था वरना नमाज़ भी पढ़ लेते। मैं जाऊँगा, पीछे दो फौजी खड़े हैं, उनको बताऊँगा अपना एंट्री नंबर, भैया ये मेरा एंट्री नंबर है, पहले हेलमेट पहननी पड़ेगी फिर हम अंदर सीधा। जी खूबसूरत लोगों में एक और दिन के साथ, और आज हमारा है इवेंट, हमारे दोस्त है नुमान भाई, उनकी बेटी की बर्थडे है, आपको दिखाते हैं। अभी पीछे शायद दिख रहा हो आपको, काम भी चल रहा है तो बहुत ख़तरनाक हो रही है। थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चल क्या आ रहा है, उस तरफ दिखाता हूँ ले जाकर। मैं हॉल में ही हूँ, दिन में तैयारी चल रही है बड़ी ज़बरदस्त। अभी ये बन चुका है, ये देखिए भाई, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, हैदर टर्न्स वन, और अभी ये काम होना है उधर, सारा स्टेज वगैरह बनना है। ये जी अब इसकी कुछ फाइनल लुक या ऐसा हो गया, क्या वो इधर स्टेज आ गया, ये हमारा इधर फूड बार आ गया, लाइट वाला भी आ गया है। बाकी काम क्या होता है वो तो खैर मगरब के बाद असली शक्ल निकल जाएगी, वो आपको उस पर दिखाएंगे। पीछे काम ज़ोरों पे चल रहा है, फुल ज़ोरों पे। आपके भाई की इवेंट प्लानिंग कंपनी ज़बरदस्त जा रही है, इस अलग अलग बिजनेस हैं, किसी दिन बैठ के आपको सब बताएंगे कि भाई के बिजनेस कितने सारे हैं, कहाँ कहाँ हार्ट और टांग फंसाई हुई। हाँ थोड़ा सलाम, एक शुरुआत हो गई, दिन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। काशिप भाई गए हैं वॉशरूम, काशिप भाई के साथ एक गाड़ी था और कल्टस का सौदा बन, सौदा बनेगा वो भी दिखाऊंगा। नहीं है, एक के 10 लाख मांग रहा है, एक के 10 लाख मांग रहा है, हमारे नसीब में क्या थे। चले चलते हैं गाड़ी देख। भाई काशिप भाई ने गाड़ी का सौदा, ये गाड़ी आई थी सौदा हो, हम जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम रात के स्पेयर कहाँ बैठे हुए, हम एक अदद अपने लिए मोबाइल लेने आए हुए हैं। हमने कहा जी थोड़ी वीडियो क्वालिटी बेहतर करें, कुछ चीज़ें बेहतर हों, तो मोबाइल लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मोबाइल लेने आ गया हूँ। दुआ करें अल्लाह पाक को बेहतर सौदा बना दे, ठीक है। तो मोबाइल लेके फिर घर पहुँचेंगे, तो आप लोग को उस मोबाइल से शश के दिखाकर अच्छी सी वीडियो भेजेंगे, इस तरह कैमरा फायरिंग नहीं होगा, अल्लाह पाक सुविधा अच्छा कैमरा होगा।